दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इजीली गियर चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना जाएं और देखते रहें। देखिए, आपके सामने गियर लीवर दिख रहा है। इस गियर लीवर में अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक नंबर दिए हुए हैं और इसके अलावा एक आर अल्फ़ाबेट है। तो 1 से लेकर जो 5 तक नंबर्स हैं, यह है गियर्स। लगभग 80% गाड़ियों में इसी तरीके के गियर बॉक्स होता है, जहां पर 1 से लेकर 5 गियर होते हैं और नीचे रिवर्स होता है। लेकिन कुछ गाड़ियों में आर की जगह पर, जिस जगह पर अभी दिया हुआ है, वहां होने की जगह पर एक के पास में पैरेलल दिया होता है, देखिए इस तरीके से। और कुछ गाड़ियों में 1 से लेकर 6 तक गियर्स दिए होते हैं और उसके बाद रिवर्स गियर दिया होता है। लेकिन हम इस गियर बॉक्स को समझेंगे जो कि स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन गियर के अलावा यहाँ पे बीच में एक लाइन दे रखी है। इस लाइन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल वो पोजीशन है जिसमें कि कोई भी गियर नहीं लगा होता। जैसे कि अभी मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है और अभी मेरी गाड़ी जब खड़ी है और इंजन ऑफ है तो मेरी गाड़ी में कोई भी गियर नहीं लगा हुआ है। और ये लीवर बड़ी इजिली लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। अगर आपका गियर लगा हुआ होगा तो ये लीवर इजिली मूव नहीं कर पाएगा। तो दिस इज न्यूट्रल पोजिशन। न्यूट्रल पोजिशन के अंदर जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप कि गाड़ी आगे पीछे हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रल पोजीशन की जो खास बात है वो ये है कि न्यूट्रल पोजीशन थर्ड और फोर्थ गियर के बीचों बीच होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हमारी गाड़ी तीसरे गियर में चल जाती है। अगर मैं इसको सीधा नीचे ले जाता हूं तो हमारी गाड़ी फोर्थ गियर में चली जाती है। तो इसका मतलब न्यूट्रल पोजीशन जो होती है वो थर्ड और फोर्थ गियर के बीचों बीच होती है। इसके अलावा आप एक चीज नोटिस करें, यहां पर 5 के नीचे रिवर्स गियर है लेकिन यहाँ पे एक लाइन में ब्रेक है। मतलब लाइन कंटिन्यूसली नहीं है जैसे कि 3 और 4 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो इसका क्या कारण है? मान लीजिए अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो, आपकी गाड़ी 5th गियर में है, तो गलती से आप 5th गियर को रिवर्स में नहीं ले जाएं, इसीलिए ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि 5th गियर से रिवर्स गियर कभी भी नहीं लगेगा। अब देखिए कि हम गियर कैसे लगा सकते हैं। देखिए, गियर लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब भी आपको गियर लगाना होता है तो आपको पहले क्लच प्रेस करना होता है और उसके बाद में आपको गियर में मूवमेंट करने होते हैं। विदाउट क्लच प्रेस की आपके गियर नहीं लगेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूं कि पहला गियर कैसे लगाते हैं। मुझे 1st गियर में जाने के लिए लीवर को लेफ्ट साइड में ले जाना होगा और फिर ऊपर की तरफ। ये इस टाइम 1st गियर लग गया है। अब 1st गियर से अगर मेरे को 2nd गियर में जाना है तो आप देख रहे होंगे जैसे कि लाइन में बता रखा है, सीधे नीचे 1st के सीधे नीचे 2nd होता है। तो मेरे को इसको सीधे नीचे की तरफ ले जाना है। नीचे बीच में एक झटका आता है, ये देखिए वापस से दिखाता हूं आपको, हल्का सा ये झटका है न्यूट्रल का। मतलब बीच में एक स्टेट आती है जहां पर आपकी का गियर न्यूट्रल में आता है। वापस से देखिए, ये देखिए 2nd गियर में हूं और वापस से इसको 1st गियर में आते हैं, हल्का सा ब्रेक एंड देन 1st गियर। अब वापस से अगर आपको 1st गियर से 2nd गियर में आना है तो 1st से 2nd। अब आपको 3rd गियर में जाना है तो आप देख रहे होंगे जैसे कि लाइन में मेंशन किया हुआ है, पहले ऊपर जाएं, ऊपर जाने के बाद में फिर 3rd गियर में जाएं। इसका मतलब जब ऊपर जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल पोजीशन में जाएं। तो इसका मतलब जब भी हम 1st से 2nd, 2nd से 3rd, 3rd से 4th, 4th से 5th में जाते हैं तो बीच में न्यूट्रल पोजीशन आती है। 2nd से 3rd में जाना है तो हल्का सा ऊपर आएंगे आप, ये न्यूट्रल आया, उसके बाद में सीधे 3rd। यानी कि जब भी आपको 2nd से 3rd में जाना है तो आप सीधे इसको इस तरह से भी ले आ सकते हैं। देखिए बहुत इजीली, वापस से दिखाता हूं आपको, हल्का सा झटका आया और ऊपर 3rd गियर, बहुत इजीली जाता है। 3rd से 4th में जाना है आपको तो हल्का सा एक बीच में ब्रेक आता है और 4th गियर। 4th से 5th में जाना है तो जैसे कि आपने 2nd से 3rd में गए थे उसी तरीके से आप 4th से 5th में भी जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए सीधे, और 5th से 4th में आना है तो सीधे नीचे। वापस से देखिए, 4th से 3rd में जाना है तो ब्रेक एंड देन 3rd, 3rd से 4th में जाना है तो ब्रेक एंड 4th। वापस से देखिए, 5th से 4th में जाना है, 4th से 3rd में जाना है, 3rd से 2nd में जाना है, 2nd से 1st। तो बहुत स्मूथ है।
दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे मैंने गाड़ी बंद कर रखी है, आप देखेंगे तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। अब गाड़ी खड़ी करने के बाद में मैं आपको गियर चेंज करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस टाइम आपको गाड़ी जब बंद है, इंजन ऑफ है, तो आपको क्लच प्रेस नहीं करना है, सिंपल आप क्लच प्रेस की नहीं आप गियर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। और देखिए अभी मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लच प्रेस नहीं किया हुआ है। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप पहले बंद गाड़ी में ही इसकी प्रैक्टिस करें। जब आपकी थोड़ी देर प्रैक्टिस हो जाए तो आप गियर देखे बिना ही, गियर की तरफ ना देखें और स्टीयरिंग की तरफ देखते हुए, सामने की तरफ देखते हुए गियर लगाने की प्रैक्टिस करें। ये सब कुछ आपको बंद गाड़ी में करना है, इंजन ऑफ पोजिशन में, जिससे कि आपको कोई भी रिस्क ना हो। तो जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, जब आप यूज टू हो जाए कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो आप गाड़ी चलाएं और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। अब जब आप गाड़ी चलाते हैं और जब आपको गियर लगाना होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले क्लच को प्रेस करना होगा। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये क्लच होता है, ये सबसे पहले आप क्लच को प्रेस करें और उसके बाद में आप गियर लगाएं। क्योंकि जब तक, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में या जब इंजन ऑन है उस समय पर अगर आप क्लच प्रेस करे बिना गियर चेंज करेंगे तो वो गियर चेंज नहीं होंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चलती गाड़ी में गियर लगाते वक्त आपको हर बार क्लच प्रेस करना होगा। अगर आपको इस वीडियो में गियर लगाने में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।